सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से कहा है कि माफिया भाग जाओ रे, हम तुम्हें उल्टा लटका देंगे, तब से पुलिस चिन्हित कर उन बदमाशों को अपना निशाना बना रही है, जिन बदमाशों के सिर पर किसी मंत्री, सांसद, विधायक का हाथ नहीं। ऐसे एक मामले में मध्य प्रदेश सागर की गोपालगंज थाना पुलिस उप प्रशासन ने एक गांजा तस्कर के मकान को जमींदोज कर दिया। इस बदमाश गांजा तस्कर का नाम भगत राम तिवारी है, जो गांजा की तस्करी करता था। इसका रिकॉर्ड खराब था। प्रशासन ने बड़ी मेहनत से यह जानकारी जुटाई थी कि गांजा तस्कर ने अपने मकान का ऊपर का फ्लोर में अवैध निर्माण करवाया है। बस इसी को लेकर गांजा तस्कर पर अब यह कार्रवाई हुई है। गांजा तस्कर की दो माला मंजिला मकान की ऊपर का पोर्शन गिराकर प्रशासन और पुलिस ने बड़ी जंग जीत ली। साथ ही प्रदेश के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान को भी खुश कर दिया कि सागर का प्रशासन और पुलिस माफियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार में जो ऐसे माफिया जिससे कि कोई भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, तो उसके निर्देशन में कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशन में आज जो पुलिस, राजस्व, नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई की गई है। गोपालगंज थाना क्षेत्र में भक्तराम तिवारी, जो कि एक गांजा तस्कर के रूप में जेल में बंद है, उसके घर की जो अब हमने नक्शी कराई तो उसका जो है नक्शा के अनुरूप नहीं पाया गया है, तो उसका अवैध निर्माण आज हमने उसमें तोड़ा गया है। अब प्रशासन की इस कार्रवाई को हम उन्हें धन्यवाद देंगे, साथ ही पुलिस प्रशासन और खासकर नेताओं से कहेंगे कि जो अपराधी आपकी गोद में बैठे हैं, उन्हें गोद से नीचे उतारो और उठो चलो, उनके अवैध मकान गिराओ। सूची सागर की जनता देगी। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि जिन अपराधियों पर, जिन माफियों पर नेताओं के हाथ हैं, वो पूरा का पूरा मकान अवैध बनाए हैं, अतिक्रमण किए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। और उन लोगों पर कार्रवाई होती है जो माफिया हैं, लेकिन उनके सिर के ऊपर नेताओं का हाथ नहीं। यह कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो नेता के साथ वाला हो, चाहे वो ना हो। अगर वो माफिया है तो शिवराज सिंह चौहान ने ये आदेश दिया है कि उन सब माफियों पर कार्रवाई करो जो अवैध निर्माण किए। बहरहाल एक मकान और जमींदोज हुआ है जो गांजा तस्कर का था। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।